क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के इस विशेषांक कार्यक्रम में आज बात करने वाले हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु राशि से निकलकर 14 जनवरी 2023 को मकर राशि में 8:57 पर प्रवेश करने वाले। मकर राशि जिसके स्वामी शनिदेव है और अगले तीन दिन तक शनिदेव भी मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि इससे पूर्व के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने देखा है इस चैनल पर कि शनिदेव जब 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि वालों से लेकर मीन राशि वालों तक के जीवन में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। उस कार्यक्रम में आप सभी ने देखा कि वो 17 को प्रवेश करेंगे कुंभ में, यानी 17 तक तो सूर्य देव और शनि देव का मुलाकात मकर राशि में होने वाला है। शुक्र की युति भी यहीं पे होगी, त्रिग्रही योग लगने वाला है कम से कम 17 तक। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र है और पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद है, तो ऐसे में जब सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करेंगे तो आपके राशि में क्या कुछ होगा प्रभाव, इस कार्यक्रम में इन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर करने से आपको ग्रहों का गोचर बनाएगा धनवान या फिर किस राशि वालों को इस गोचर के प्रभाव से रहना है सावधान। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिज लाइफ, चाइल्ड लाइफ, एजुकेशन लाइफ, कैरियर लाइफ, मनी लाइफ, हेल्थ लाइफ या फिर विदेश यात्रा, दाम्पत्य जीवन, हर एक क्षेत्र में सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, इस कार्यक्रम में इन्हीं बिंदुओं पर विचार करने वाले। ध्यान रहे, अगर सूर्यदेव के इस गोचर का प्रभाव आपके राशि में शुभ हो या अशुभ हो तो यह सिर्फ सूर्य के गोचर का परिणाम है, बाकी अन्य जैसे इससे पहले शनि का बताया या इसके बाद किसी और ग्रहों का गोचर आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा उनका भी आपके जीवन में प्रभाव माना जाता है, या फिर आपके कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही हो तो उसका भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसलिए सूर्य पर्सनली के आपको प्रभाव देंगे इस कार्यक्रम में, इस बात का ही विचार करने वाले। अब तीन दिन तक तो पिता पुत्र जो कि एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखते हैं, एक दिन के सूचक एक रात के सूचक, सूर्यदेव दिन में बलवान, शनिदेव रात में बलवान, सूर्यदेव ग्रहों के राजा, शनिदेव ग्रहों के न्यायाधीश है, दोनों में पावर है तो पावर सेंटर में ईगो की लड़ाई भी है, दोनों अपनी जगह सही है। ऐसे में अब आप सभी जानते हैं कि सूर्यदेव जब भी कोई राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति बोला जाता है, लेकिन जब मकर राशि में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो इसे मकर संक्रांति बोला जाता है, जो कि देश विदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार चूंकि 14 जनवरी को रात में 8:57 पर मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 13 फरवरी तक मकर राशि में ही सूर्यदेव रहने वाले हैं, तो अगले एक महीने तक सूर्यदेव मकर राशि में रहेंगे, लेकिन उदय तिथि 15 तारीख को होगा सूर्यदेव का, क्योंकि ये रात में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं और मकर संक्रांति उदय तिथि के अनुसार मनाई जाती है, इसलिए इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व देश भर में या विदेश में भी 15 जनवरी 2023 को मनाना ही उचित है। अब आइए जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आपके राशि में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। शुरुआत करेंगे मेष राशि से लेकर वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन सभी 12 राशियों का सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है अब आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे। अब आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों के जीवन में सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर करने से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मेष राशि वाले सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं,
तथा अब नवम भाव से निकलकर अर्थात कि भाग्य भाव से निकलकर आपके दशम भाव कर्म भाव में गोचर करने वाले, और अगले एक माह तक सूर्य का यह गोचर आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी करने वाला है, क्योंकि वो त्रिकोण पंचम भाव के स्वामी है और केंद्र के भाव दशम भाव में वो गोचर करेंगे। मेष राशि वालों का सूर्य का मकर राशि में गोचर करने से कार्य व्यापार के क्षेत्र में यदि देखें तो बहुत अच्छा परिणाम देने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है, वहीं सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी उन्नति के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत ही उत्तम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले इच्छुक जातकों को किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला या फिर विदेश में यदि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। इस राशि के जो लोग काफी समय से मकान या वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें भी यह सुख प्राप्त होने के योग बना रहा है। लेकिन एक बात याद रखें कि इस राशि के लोग जो खास करके नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार के विवादों से दूर रहने की जरूरत है। हालांकि सरकार या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने के प्रयास करने वाले जातकों को कामयाबी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, एवं कोई सरकारी कार्य आपका लंबित पड़ा हुआ है, अटका हुआ है, रुका हुआ है, कोई कागज पास नहीं हो रहा है तो वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका पहले से अधिक मजबूत होगा एवं आय के साधन भी बनते रहेंगे। प्रेम संबंध की यदि बात करें तो सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। आप अपने प्रेम संबंध की बात अपने घर वालों से करते हैं तो हो सकता है स्वीकृति मिल जाए। अविवाहित जातकों को विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। व्यापारी वर्गों की यदि बात करें तो व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नया करने का प्रयास आप कर सकते हैं जिसमें आपको कामयाबी मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी आपको अपनी हर बात चलाने की आदत को बदलना चाहिए, अन्यथा कोई आपसी मतभेद होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं सूर्य का मकर राशि में गोचर होने से वृषभ राशि वालों के जीवन में अगले एक माह तक क्या प्रभाव हो सकता है। वृषभ राशि वाले सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तथा सूर्यदेव आपके अष्टम भाव से निकलकर अब आपके नवम भाव भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के प्रभाव से वृषभ राशि वालों को अब भाग्य के द्वार खुल जाएंगे एवं आपके राशि के लिए भी केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करने वाले हैं अगले एक माह तक। अब आपको धर्म एवं अध्यात्म के प्रति भी रुचि बढ़ सकती है। इस गोचर काल में खास करके आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के जो जातक मकान या वाहन लेने के बारे में प्रयासरत हैं अब हो सकता है कोई अच्छा सौदा मिल जाए या आप इन सुखों को प्राप्त कर लें। आपके अंदर साहस एवं पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में भी इसका आपको जबरदस्त लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के जो लोग विदेश में कार्य करते हैं या किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हैं या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं उन्हें शानदार सफलता मिलने के योग बना रहे हैं। वहीं इस राशि के जो लोग विदेश में रहते हैं एवं अस्थाई नागरिकता सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं तो उन्हें भी कामयाबी मिल सकता है। राशि के नौकरी पेशा लोगों को उनके कार्य की प्रशंसा कार्य क्षेत्र में होने के संकेत दिखा रहे हैं तथा कोई पदोन्नति होने के भी आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारी वर्गों में भी कामकाज में तेजी हो सकती है। आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं एवं इसका आपको अच्छा खासा मुनाफा भी
मिल सकता है। धन लाभ के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक पक्ष में आपको सुधार होगा। सेहत की यदि बात करें तो पहले से बेहतर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि सूर्यदेव का यह गोचर करवा सकता है। सूर्यदेव के इस गोचर काल में आपको कई इच्छाओं को पूर्ण कराने का योग भी बना रहा है। इस राशि के कुछ जातकों के लिए अच्छे यात्रा के भी योग बन रहे हैं, परंतु एक बात का ध्यान रहे, परिवार में बड़े भाइयों से आपका कोई मतभेद ना हो जाए, इसके लिए पहले से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। प्रेम प्रसंग को लेके थोड़ा सा यह गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए पहले से सावधान रहें। किसी भी प्रकार का वाद विवाद यदि आप करते हैं तो आप अपने प्रेमी से रिश्तों में दूरियां बढ़ा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए समय अनुकूल है। आप काफी रोमांटिक ख्याल के दाम्पत्य जीवन में रहने वाले हैं। बस आपको अच्छा दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए अपने गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर करने से मिथुन राशि वालों के जीवन में अगले एक माह तक क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले, सूर्यदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं तथा आपके सप्तम भाव से निकलकर अब आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव का यह गोचर आपको मिश्रित परिणाम दे सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी से भी आप ना ही उलझे तथा हर प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें। आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र भी कर सकता है, इसलिए पहले से ही सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपके कोई अपने भी आपके कामयाबी से जलनशीलता की भावना रखते हुए अपने मन में ईर्ष्या द्वेष पाल सकता है और आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकता है। इन बातों को लेकर भी आपको पहले से सतर्क रहना होगा। कोई चोट चपेट या दुर्घटना आदि का आप शिकार ना हो जाए, किसी दवा आदि का रिएक्शन ना हो जाए, इस बात को लेकर भी आपको पहले से सावधान रहने की जरूरत है। जरूरी है कि कोई भी दवा वगैरह आप लेते हैं अभी इस अवधि काल में तो अपने अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। इस गोचर काल में हालांकि कार्य क्षेत्र में आप अगर लगातार प्रयास करते रहेंगे, अपने लक्ष्य को केंद्रित करने के लिए परिश्रम करते हैं तो कामयाबी के भी कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कुशल रणनीति एवं परिश्रम के साथ किया हुआ परिणाम आपको कुछ सकारात्मक रहने के संकेत दिखा रहा है। इस राशि के विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा में सफलता अर्जित करने के लिए आपको अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। प्रेम संबंध मिला जुला रहने वाला है, हालांकि पारिवारिक जीवन खुशमय जा सकता है। इस राशि के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होने के योग बना रहे हैं। वहीं इस राशि के शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो एक साथ कुछ अच्छे मधुर पल आप लोग बिता सकते हैं। जीवन साथी की सलाह या उनके भाग्य से आपके कुछ अच्छे कार्य, महत्वपूर्ण कार्य भी बन सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर करने से अगले एक माह तक कर्क राशि वालों के जीवन में क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कर्क राशि वाले, सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं तथा सूर्यदेव अब मकर राशि में जब गोचर करेंगे तो आपके सप्तम भाव में वो गोचर करने वाले। सूर्यदेव का यह गोचर आपको काफी अच्छे परिणाम भी दे सकता है। कहीं से कोई शुभ समाचार मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता दिलाने का संकेत दिखा रहा है। इस गोचर काल में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। आप जितना परिश्रम करेंगे लाभ आपको उतना ही अधिक मिलेगा, इसलिए जरूरी है कि सही समय की पहचान कर अपने लक्ष्य पर ध्यान को केंद्रित करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी मन की बात या अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा ना करें, बल्कि हो सके तो तब तक साझा ना करें किसी से भी
जब तक वो काम आपका पूरा ना हो जाए। खास करके किसी से साझा करते हैं तो हो सकता है आपका काम नुकसान हो जाए या आपको कोई धन हानि हो जाए। वहीं इस राशि के जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी कोई अच्छा पद या जिम्मेदारी मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से या सरकारी क्षेत्र से जो जुड़े हैं या सरकारी क्षेत्र से जो कोई किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकार जहां भी आ गया ऐसे कार्यों में आपको सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं आर्थिक पक्ष भी आपका पहले से मजबूत होगा, आय के साधन बनेंगे एवं धन लाभ के अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन इस अवधि काल में अगर बहुत अधिक जरूरी नहीं है तो आप उधार किसी को ना दें। इस गोचर में आप किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन को अगर ना ही करें तो वह आपके लिए बेहतर होगा। सेहत में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मौसमी बीमारी आपको कहीं परेशान ना कर दे, इस बात को लेकर पहले से अलर्ट हो जाए। इस राशि के शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। आपसी मतभेद ना हो जाए किसी बात को लेकर पहले से सतर्क रहें, जिद करना छोड़ दें। आपका जिद आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर सकता है। वहीं अविवाहित जातकों को विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। इस राशि के जो लोग विदेशी कंपनी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें जबरदस्त मुनाफा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों के जीवन में सूर्यदेव का, आपके ही राशि स्वामी सूर्यदेव जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो आपके राशि में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। जैसा कि अभी आपको बताए कि सिंह राशि वाले सूर्यदेव तो आपके ही राशि के स्वामी हैं और मकर राशि में अब आपके छठे भाव में वो गोचर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्यदेव और शनिदेव दोनों में पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन दोनों में कई बार आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। विचारधारा के मामले में अगर देखा जाए तो 36 का आंकड़ा एक दूसरे के प्रति रखते हैं। दोनों कई बार एक दूसरे से असहमत भी हो जाते हैं। जहां सूर्यदेव ग्रहों का न्याय राजा है तो वहीं शनिदेव ग्रहों का न्यायाधीश, एक दिन में बलवान एक रात्रि काल में बलवान। तो दोनों में पावर सेंटर का जो ये अहम का जो टकराव है ये कई बार आम मनुष्यों को भी इसका प्रभाव गोचर का देखने को मिलने वाला है। सूर्यदेव अपने पुत्र के राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पिता पुत्र का मिलन कम से कम 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मकर राशि में तो होने ही वाला है। लेकिन अगर देखें तो सूर्य का यह गोचर कुछ क्षेत्रों में, खास करके कार्य के क्षेत्रों में, तो आपको मनचाही सफलता दिला सकता है। एवं छठे भाव में, अक्सर मैंने आपको बताया है कि छठे भाव में सूर्यदेव शत्रुहंता योग बना देता है, जिसके फलस्वरूप विरोधी या शत्रु आपके खिलाफ जितना मर्जी षड्यंत्र कर ले, आप उन सभी षड्यंत्रों को विफल करने में सफल होंगे। विरोधी आपसे परास्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहने में ही समझदारी है। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। कामयाबी अगर प्राप्त करना है तो समय का अधिक सदुपयोग हो इसके लिए। फालतू के कामों में आपको समय व्यतीत नहीं करना। इस गोचर काल में आपको भी किसी को उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा धन हानि होने का योग बन रहा है। इस राशि के जो लोग कोई कोर्ट कचहरी का फैसला यदि इस अवधि काल में एक महीने में आता है इस राशि के लोगों के लिए, तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। माता एवं पिता के सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ननिहाल पक्ष से कोई अप्रिय संदेश मिलने का भय बना हुआ है। इस राशि के विद्यार्थियों की यदि बात करें तो मन लगाकर आप पढ़ाई करेंगे तभी आपको सफलता परीक्षा में मिल सकता है, इसलिए पढ़ाई में ध्यान दें। वहीं प्रेम संबंध की बात करें तो ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में अगर बात करें तो जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद आप ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। वैसे दाम्पत्य जीवन में आप इस गोचर काल में
कुछ अधिक ही रोमांटिक रहने वाले। अब आइए बात करते हैं सूर्य देव का मकर राशि में गोचर करने से अगले एक माह तक। कन्या राशि वाले सूर्य देव आपके राशि के बारहवें भाव के स्वामी है तथा आपके चतुर्थ भाव से निकलकर अब पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव में सूर्य देव का गोचर करने से प्रेमी जोड़े को, खास करके जो लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण करना होगा। अपने प्रेमी से बातचीत करते समय कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे वो आपसे नाराज हो जाए, क्योंकि लव लाइफ में आपको कोई आपसी मतभेद होने का संकेत भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक बात का और ध्यान रखें, खुले में रोमांस करने से बचें। पता चला कोई बदनामी ना हो जाए, कोई आपका MMS बना के बेवजह में डाल ना दे, इस बात का आपको ध्यान रहने वाले ध्यान रखें। आप काफी अधिक रोमांटिक मूड में भी रह सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थी वर्गों की यदि बात करें तो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आप किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या विदेश या यूनिवर्सिटी या किसी दूर के कॉलेज में जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो अब आपके लिए समय बहुत उत्तम है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले जातकों को परीक्षा में यदि अच्छा परिणाम लाना चाहते हैं तो बहुत अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। लेकिन वहीं जो लोग साइंस एवं रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई शोध कोई अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत जबरदस्त कामयाबी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर इस राशि के कुछ लोगों को चिंता सता सकती है। हालांकि आय के साधन आपके बनते रहेंगे एवं बीच बीच में धन लाभ के भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। फिजूल खर्ची पर आपको रोक लगाने की जरूरत है। वहीं कार्य व्यापार की यदि बात करें तो समय आपके अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारियों को तो बहुत अच्छा मुनाफा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी अपने कार्य स्थल पर व्यस्तताएं बढ़ने वाली, अर्थात काफी बिजी रहने वाले। परिश्रम से किए हुए कार्य का परिणाम आपको जबरदस्त धन लाभ भी कराने वाला है। आप अधिक मेहनत करेंगे तो जीवन में प्रगति तो पाएंगे, मन की शांति सुकून भी आप प्राप्त कर पाएंगे। वहीं घर परिवार की यदि बात करें तो वातावरण खुशमय बना रहेगा। इस राशि के कुछ लोग घर या वाहन या कोई सुख सुविधा के सामानों की खरीदारी करने में भी धन का खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। शादीशुदा जोड़ों के लिए समय बहुत बेहतरीन जाने वाला है। जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे मधुर पल बिता सकते हैं, बल्कि कई कपल तो कुछ अच्छे टूरिस्ट पैलेस में या धार्मिक स्थल पर एक साथ घूमने के लिए भी जाने वाले। अब आइए बात करते हैं 14 जनवरी 2023 मकर राशि में सूर्यदेव के गोचर से तुला राशि वालों के जीवन में अगले एक माह क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तुला राशि वाले सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं एवं आपके राशि से तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में वो गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप कोई कलह कलेश या आपसी मतभेद की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई वाद विवाद की स्थिति बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माताजी के स्वास्थ्य में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कहीं से कोई अप्रिय समाचार मिलने का भी खतरा बना हुआ है। अगर अधिक जरूरी ना हो तो यात्रा को आप टाल दें, और अगर आप यात्रा पर जा ही रहे हैं तो अपने जरूरी सामान खास करके गर्म कपड़े साथ में ले जाएं। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने सामान का निगरानी अवश्य करें, ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि चोरी होने का भी खतरा बना हुआ है। इस अवधि काल में आपको मानसिक शांति पाने के लिए योग ध्यान का सहारा लेना होगा, क्योंकि अभी आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में फिर भी अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलने का योग भी बना रहा है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको मिल जाए, कहीं से कोई पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें कामयाबी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं वो अपने कामकाज में लापरवाही बिल्कुल ना करें।
और खास करके ऑफिस में किसी से भी ना उलझें। आपके सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस राशि के व्यापारी वर्गों की यदि बात करें तो व्यापार में आपको प्रगति एवं धन लाभ के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत होगा, धन लाभ के भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस गोचर काल में फिजूल की बातों में आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अपना मन, अपना ध्यान बिल्कुल अपने कार्य के प्रति केंद्रित होकर आप करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद या ऑफिस के राजनीति से आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उनके साथ हर बात पे उलझने की आदत को आपको बदलना होगा, अन्यथा आपके इस आदत से वो दूर, आप दोनों के आपसी रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। वहीं प्रेम संबंध की यदि बात करें तो प्रेमी जोड़े के लिए समय अनुकूल है। अपने रिश्तों की बात यदि आप अपने घर वालों से करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब कर दें, आपको प्रेम विवाह का स्वीकृति मिल सकती है। अविवाहित जातकों को विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव भी मिलने वाले हैं। इंटरव्यू वगैरह में जो जातक प्रयास कर रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कि सूर्य का मकर राशि में 14 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2023 तक गोचर करने से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव आपके दसवें भाव के स्वामी हैं एवं अब आपके द्वितीय भाव से निकलकर अब आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छे अवसर आपको प्रदान कराने वाले। कार्य क्षेत्र में तो आप बोल सकते हैं कि आपको मन चाही सफलता मिलने का योग बना रहा है। इस अवधि काल में जो जातक नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उन्हें जॉब के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों की यदि बात करें तो उनके साहस आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यों को पूरा करने में भी इसका लाभ आपको मिलने वाला है। कोई पदोन्नति का भी आपको, कोई प्रमोशन वगैरह का भी योग मिल सकता है। कोई लाभदायक यात्रा भी सूर्य का यह गोचर करवा सकता है। इस राशि के जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें अच्छी खासी कामयाबी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं मित्रों एवं भाई बंधुओं का भी सहयोग मिलने के संकेत दिख रहे हैं एवं उनके सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इस राशि के जो लोग विदेशी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं उन्हें भी प्रमोशन के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और जो लोग काफी समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं सूर्य का यह गोचर उनके लिए मददगार साबित होगा, सरकारी रुकावटों को दूर कर देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जातकों को भी व्यापार में जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। करियर में कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। आप सही समय पे सही निर्णय लेने में इस महीने सक्षम रहने वाले हैं। जो लोग कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी समय उपयुक्त है। धन लाभ को भी आपको कई बार अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। विदेश में रहने वाले जो जातक परमानेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें अब कामयाबी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें, घर परिवार में बड़ों का सम्मान करें, अन्यथा अगर कोई वाद विवाद होता है बातचीत करते समय आपके किसी बात से गुस्सा ना हो जाए, इस बात का आपको बचना चाहिए क्योंकि उनके आशीर्वाद से आप तरक्की करने वाले। अति सर्वत्र वर्जित, अधिक उतावला होना या अधिक जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी कार्य आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। गुस्से पर भी आपको नियंत्रण करना होगा। हालांकि प्रेमी जोड़े के लिए यदि बात करें तो समय शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे के और करीब आएंगे। किसी धार्मिक स्थल पर आप लोग एक साथ दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। घर वालों से यदि आप अपने रिश्तों की बात चलाएंगे तो हो सकता है आपके लव मैरिज की वहां से परमिशन मिल जाए। निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो उन्हें भी कामयाबी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिसको पहले से संतान है तो संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने के योग भी बन रहे हैं। इस राशि के व्यापारियों को तो जबरदस्त मुनाफा होने का संकेत दिखाई दे रहा है।
वहीं इस राशि के शादीशुदा लोगों के लिए भी यह गोचर आनंदित करने वाला है, कोई अच्छा मधुर पल आप एक साथ बिताने वाले। अब आइए बात करते हैं 14 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक सूर्य देव का मकर राशि में गोचर होने से धनु राशि वालों के जीवन में क्या कुछ शुभ या अशुभ प्रभाव मिलने वाला है। धनु राशि वाले, सूर्य देव आपके नवम भाव के स्वामी हैं एवं अब आपके ही राशि से निकलकर आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आर्थिक पक्ष अब आपका पहले के मुकाबले अधिक मजबूत होने वाला है। भाग्य के सहारे भी कोई धन लाभ के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। इस गोचर काल का अगर आपको संपूर्ण लाभ लेना है तो ऐसी बात किसी से ना करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंच जाए। इस अवधि काल में सबसे ज्यादा आपको नियंत्रण करना है वाणी। कहते हैं, आप लोगों ने भी बचपन में सुना होगा कि ये जीभ जो होता है ना, यही मीठा भी खिलाता है, यही लात भी खिलाता है। तो अपने वाणी पे नियंत्रण करना होगा। पता चला कोई बनता हुआ कार्य बिगड़ ना जाए, इसलिए अपने शब्दों का उचित चयन करें, जिससे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ बहुत अच्छा चलता रहे, क्योंकि गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। लेकिन सेहत के प्रति आपको अधिक सचेत रहने की जरूरत है। सबसे जरूरी बात है कि अपने मन में कोई योजना बनाते हैं, कोई आइडिया है, कोई कार्य करने की प्लानिंग है, उस प्लानिंग को हर किसी से शेयर ना करें। ये आदत है तो ये आदत बुरी है, इस बुरी आदत को अभी से बदल दें, अन्यथा आपका कार्य समय पे पूरा नहीं हो पाएगा, आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। और अगर शेयर करना ही है तो जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक शेयर ना करें। इस राशि के कुछ जातकों को आंख से संबंधित, खास करके दाहिने आंख से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकता है, एवं इस राशि के जो लोग नशा अधिक करते हैं, ड्रग वगैरह या कोई भारी नशा करते हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उनको बीमारी होने का खतरा बन रहा है। तो नशे की आदत आप कम करें, खास करके हैवी ड्रग्स अगर आप लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य को बहुत बड़ा भारी नुकसान दे सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इस राशि के लोगों को इस माह कुछ घर परिवार में बड़ी जिम्मेदारी उठाना पड़ सकता है। परिवार में कोई बिखराव ना हो जाए, कोई अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होने का संकेत दिखाई दे रहा है, तो आपको परिवार में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना होगा, पहले से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। वहीं व्यापारी वर्गों की यदि बात करें तो कामकाज में अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अपने काम पर ध्यान को केंद्रित करें, शांत चित्त होकर यदि प्रयास करेंगे तो चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, दोनों ही क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। प्रेमी जोड़े को अनबन होने का योग बन रहा है, तो बातचीत करते समय आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। वहीं इस राशि के विद्यार्थी वर्गों को भी अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा मेहनत भी करना होगा, सही पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, अन्यथा आपके उम्मीद से कम परिणाम मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन की बात करें तो शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी की कोई सलाह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में उपयोगी साबित हो सकती है। अब आइए बात करते हैं सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर करने से 14 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2023 तक मकर राशि वालों के ही जीवन में अगले एक माह तक क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मकर राशि वाले जिसके स्वामी हैं शनिदेव, अब आपके राशि में आपके राशि के स्वामी के पिता सूर्यदेव ग्रहों के राजा ही गोचर करने वाले। सूर्यदेव आपके राशि से अष्टम भाव के स्वामी हैं। पिता पुत्र में आपको पता है कि कई बार मतों का मतांतर होता है, ऐसे में आपके पिता पुत्र के संबंधों में भी कुछ खटास ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। सरकारी क्षेत्र में जो पहले से कार्य कर रहे हैं वो अपने काम में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अब आपको बहुत अच्छा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि इस गोचर में आपको समस्याएं तो आएगी,
लेकिन कठिन समस्याओं को आने के बावजूद भी आप अपने परिश्रम और कुशल रणनीति के दम पर सफलता को अर्जित कर पाएंगे। नई नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक जातकों को भी जॉब लगने के कुछ बेहतर अवसर मिल सकते हैं। तो वहीं सामाजिक उत्तरदायित्व एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। परंतु इस बात को याद रखें, यह गोचर कुल मिला के आपको मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकता है। आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता उग्रता देखने को मिलने वाला है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को जितना शांत संयम विवेकपूर्ण बनाए रखेंगे उतना ही आप कामयाब होंगे, अन्यथा आप बने हुए कार्य को बिगाड़ देंगे। स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना है, कोई चोट चपेट दुर्घटना आदि के आप शिकार ना हो जाएं, इसके लिए पहले से सतर्क रहें। इस गोचर काल में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें, किसी प्रकार के पॉलिटिक्स राजनीति में आप शामिल ना हो, और चाहे ऑफिस का राजनीति हो। अगर कोई कोर्ट कचहरी केस का मुद्दा है, अगर उसको बाहर ही सुलझा लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि राजनीति से जुड़े हुए जो जातक पहले से जुड़े हुए हैं राजनीति में, उनको अच्छा सफलता यह गोचर दिला सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से विद्यार्थी वर्गों को अगर परिश्रम कर दिए तो कामयाबी मिलेगा, ये पहले भी बताएं अभी भी बता रहे। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो मधुरता बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन साथी के भावनाओं का सम्मान करना होगा, कदर करना होगा। प्रेम प्रसंग को लेकर समय अनुकूल है। और कोई भी व्यापारी वर्गों की यदि बात करें तो कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको उसके बारीकियों पर अच्छी तरीके से गहन जांच पड़ताल अवश्य कर लेना चाहिए। कोशिश करें इस एक महीने कोई बड़ा निवेश यदि ना ही करते हैं तो वह आपके लिए बेहतर है। हर किसी पे भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आइए बात करते हैं 14 जनवरी 2023 से सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर 13 फरवरी 2023 तक रहने से कुंभ राशि वालों के जीवन में अगले एक माह तक क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब 14 जनवरी से आपके द्वादश भाव अर्थात कि 12वें भाव में गोचर करेंगे। और 12वें भाव में गोचर करने से आपको किसी भी कार्यों को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष का सामना तो करना पड़ सकता है, परंतु आय के साधन आपके बनते रहेंगे। फिजूल खर्ची पर आपको नियंत्रण करने की जरूरत है। लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए यह गोचर बहुत मददगार साबित होने वाला है। खास करके जो लोग विदेशी कंपनी से जुड़े हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उन्हें अच्छा धन लाभ यह गोचर देकर जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य थोड़ा सा नर्म जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह गोचर काल आपको अत्यधिक भागदौड़ करवा सकता है, आपके खर्चों में अधिकता करवा सकता है, आपके आर्थिक बजट को बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर अधिक जरूरी ना हो तो इस समय तो कम से कम वित्तीय लेन देन से अपने आप को दूर ही रखें, किसी को उधार ना दें, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। और अगर बहुत जरूरी है आर्थिक लेन देन करना तो उसको बहुत सोच समझ कर करें। कहीं से कोई अप्रिय समाचार मिलने का भय भी बन रहा है। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आपको भी दूर रहना चाहिए, खास करके कार्यस्थल पर तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के रणनीति में आप पार्टिसिपेट ना करें। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि 17 जनवरी से जब शनिदेव आपके ही राशि में गोचर करेंगे तब परिस्थितियों में सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और कार्य व्यापार में आपको उन्नति प्रगति एवं धन लाभ शनिदेव करवा सकते हैं। तो जहां सूर्य आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे रहे हैं तो शनिदेव जिनकी जो खुद राशि स्वामी है वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। जीवन साथी आपसे नाराज ना हो जाए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं 14 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2023 तक सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर करने से काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि वालों के जीवन में अगले एक माह तक क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मीन राशि वाले सूर्यदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं
और अब आपके एकादश भाव में मकर राशि में गोचर करने से आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं। आपके पराक्रम, आपके साहस एवं आपके उत्साह में वृद्धि होगी, जिसका लाभ कार्यस्थल पर भी आपको मिलने वाला है। इस समय कोई बहुत बड़ी सफलता आपको हाथ लग सकती है, आपको कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कार्य व्यापार में कोई पदोन्नति होने के योग भी बन रहे हैं, आप काफी व्यस्त रहेंगे, आपके आय के साधन भी बनेंगे, और नौकरी पेशा लोगों की यदि बात करें तो कोई प्रमोशन होने के भी संकेत दिखाई दे रहा है। इस राशि के लोगों को धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं, आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र के मामले में आपको शानदार, जानदार, जबरदस्त महीना ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात का लेकिन आपको ध्यान रखना है कि परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग सदस्य से कोई मतभेद ना हो। हालांकि इस राशि के कुछ जातकों का धन का खर्च परिवार के किसी शुभ कार्य आदि पर भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आप दोनों एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। एक बात याद रखें, अपने मन की दुविधा की बात अपने जीवन साथी से यदि आप करते हैं तो जीवन साथी का सलाह आपको उस दुविधा से तो निकाल ही सकता है, आपके पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में काफी उपयोगी हो सकता है। अधिक जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा, इसलिए अपने स्वभाव में उग्रता ना लाएं और जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। सेहत के मामले में सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए अधिकांश क्षेत्रों में अच्छा ही जाएगा। दर्शकों, सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर होने से आपके राशि को क्या शुभ या अशुभ प्रभाव होगा, अभी आपने इस कार्यक्रम में यह देखा। आपको कैसा लगा यह कार्यक्रम? आप फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट, बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो यूट्यूब पे इसी चैनल पर रात में 8 बजे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो आता है, उसमें आप अपना घर बैठे मुफ्त कोई एक सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम, तब तक के लिए नमस्कार। जय सूर्यदेव। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी।